एक कहानी सुनोगे? चलो एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था, उस वक्त लाहौर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था हीरू। और एक रात बंटवारे की आग ऐसी फैली कि उसे रातों रात अपनी पूरी फैमिली को लेके इंडिया आना पड़ा। एक तरफ थी उसकी पूरी फैमिली और दूसरी तरफ था उसका सारा पैसा। एक ही रात में अपना हीरो जीरो हो गया। माय मिस्टेक, वो तो हीरो था ना, जीरो कैसे हो सकता है। उसने फिर मेहनत की, फैक्ट्री के मिल में काम किया, बहुत सारे पैसे कमाए और एक छोटा मकान खरीदा। फिर आया उसका बेटा, उसने भी बहुत मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे से काम किया, फैक्ट्री के मिल में काम किया, जॉब किया, उस छोटे से मकान को और बड़ा मकान बनाया। फिर आया उसका बेटा, अब वो इस कहानी का खुद हीरो था। उसने भी मेहनत की, लगन की, सिस्टम इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, सब कुछ किया, स्टॉप उठो हँसो, ऊपर देखो नीचे देखो, दाएं देखो बाएं देखो, और ऐसे करते 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 दिल एक दिन उसे दिल और दुनिया के बीच उसे साथी मिला। साथी ने कहा हाय, हीरो ने कहा हेलो। साथी ने कहा क्या हालचाल, सब ठीक? हीरो ने कहा आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? साथी ने कहा तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? कैसे ऐसे, मतलब मशीनों की आवाज़ में? क्या मतलब? ए रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं रुक नहीं सकता, इस यहाँ भाग रहा हूँ, रुकूँगा तो मर जाऊँगा। मतलब मैं इस रेस में दौड़ रहा हूँ, नहीं रुकूँगा तो और मर जाऊँगा। रेस में भाग रहे हो? कौन सी रेस है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कौन सी रेस है तो भाग क्यों रहे हो? ये लोग भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। क्यों? मतलब किसी ने रुक के पूछा क्यों नहीं, क्यों भाग रहे हैं? अरे अपने वाला क्यों? छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है कौन सी रेस है, जब तक जीत रहे हो। फर्स्ट तो आते हो? नो। सेकंड? नो। थर्ड? नो। अबे फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट? नो। नाइन्थ? यू सीम्स टू हैव डायल द रॉन्ग नंबर, गाड़ी नंबर 781। लाइफ इंश्योरेंस सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। टिंग टॉन्ग। मतलब तुम बीच में कहीं आते हो? बीच वाले हो? हाँ, मैं एक मीडिया करूँ, आम आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन। सही है, बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं मीडिया कर बन के। और एक बात बोलूँ दिल से, तुम्हें कभी किसी ने नहीं कहा तुम्हारे अंदर क्या स्पेशल है? नहीं। अरे यार, मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं स्पेशल हो जाती हूँ, तो सोचो तुम क्या होगे? मुझे नहीं पता, रॉन्ग नंबर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे अंदर होगा, टैलेंट होगा, बहुत स्पेशल टैलेंट होगा, ढूंढो, जिन्हें ढूंढा नहीं होगा। ये बातें सुनकर हीरो को कुछ याद आया। हीरो ने कहा हाँ, एक जन था जो मुझे कहता था मैं बहुत स्पेशल हूँ। था ना? कौन था वो? मेरा बचपन। वो क्या होता रहा यार मुरी, हम डसने को तैयार, बड़े होते ही मार दिए उसको, ऐसे कुचल दिया पैर के नीचे, मर गया। अब कोई नहीं कहता मैं बहुत स्पेशल हूँ, अब मैं आराम से जी सकता हूँ अपनी ज़िंदगी।
ऑर्डिनरी पर्सन, मीडियोकर, आम आदमी चल सकता हो, ये सब बकवास है यार। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें तो कुछ तो टैलेंट होगा, ढूंढो। नहीं मैं रुक नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, व्हाट नॉनसेंस। कुछ होगा टैलेंट, तुम अपनी अलग राह ढूंढो, फिर देखो तुम उस रेस में फर्स्ट आते हो कि नहीं। दुनिया तुम्हें देखेगी, तुम्हारे टैलेंट को देखेंगे। नहीं मैं नहीं रुक सकता, प्लीज़ मैं मर जाऊंगा। और इसी तरह हीरो इस रेस में भागता रहा और एक दिन मर गया। तो कैसी थी कहानी? वो क्या होता है, कैसी थी कहानी? डेट बहुत अच्छी थी। एंडिंग थोड़ा ख़राब था, एंडिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी। क्या फ़र्क पड़ता है, कहानी अपनी बदल देंगे एंडिंग। दिस इज वो हाई एम डेट, दिस इज मुझे मैक्स समझ में नहीं आता, मैं बस मुझे एक्टिंग करनी, एक्टिंग करनी। थैंक यू।